मोदी के रहमो करम पर 2025 का रण लड़ेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद अब एकमात्र सहारा अगर नीतीश कुमार का कोई बच गया है तो वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव 2024 में होता है, इसके बाद अब 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में एकमात्र अगर नीतीश का कोई सहारा बच रहा है तो वो है पीएम मोदी। तो क्या 2025 और सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद यानी बीते दिनों जाति आधारित गणना पर सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा झटका नीतीश कुमार को दे देती है, जिसके बाद अब एकमात्र कोई सहारा बच गया है नीतीश कुमार का तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भला कैसे, आइए आपको वीडियो में बताते हैं। पिछड़े वर्ग एससी और एसटी समाज के लोगों के लिए रोजगार और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाले निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त झटका लगा दिया। हालांकि ये अपेक्षित भी था, इसका आधार हाईकोर्ट ने तैयार भी कर रखा था। यही वजह भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात का अनुमान लगाकर पहले ही एनडीए नीत केंद्र सरकार से बड़े आरक्षण के फैसले को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की पहल कर चुकी थी। बिहार सरकार ने बजाफ्ता राज्य गजट में 2 विधेयकों को नोटिफाई किया था। इसका मकसद पिछड़े और वंचित समाज के लोगों के आरक्षण की सीमा को बढ़ाना था। विधेयकों के साथ बिहार में उन बड़े राज्यों में शामिल हो गया जहां सबसे ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा था। आरक्षण सीमा को 65% करने पर राज्य के कुल आरक्षण 75% तक पहुंच गया। इसमें 10% EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलने वाला रिजर्वेशन भी शामिल था। बिहार में आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया था। इस फैसले के विरुद्ध बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। वो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। बहरहाल नीतीश नीत सरकार का आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने का मामला पूरी तरह सियासी हो गया है। अब स्थिति यही है, जयललिता के रास्ते पर नीतीश कुमार को चलना होगा, गठबंधन की राजनीति का फायदा उठाते हुए दबाव की राजनीति का सहारा लेना होगा या फिर ऐसी स्थितियां बनानी होगी जहां केंद्र सरकार सहमत हो और उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेज सके। पर यहाँ संकट ये है कि राज्य ऐसे हैं जो आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट का झटका उन्हें भी लगा था। नौकरियों को लेकर जिस तरह से विपक्ष हमलावर है उस अनुपात में नौकरी देना संभव नहीं है। अब सरकार 50% और 10% आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को ही आरक्षण देकर नौकरी दे सकती है। 75% आरक्षण के दायरे में निकाली गई नियुक्तियों को रद्द कर फिर से निकालनी होगी। जो सरकारी नौकरी विज्ञापन के क्यू में लगा हुआ है उसे भी 50% आरक्षण के दायरे में कसना होगा, तभी बहाली होगी। तो देखिए, बिहार सरकार द्वारा जातिगत आरक्षण जातिगत सर्वे करवाया जाता है और उसके बाद जातिगत आरक्षण भी दे दिया जाता है। आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% यानी 65% कर दिया जाता है, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार को बड़ा झटका दे दिया था और इस आरक्षण पर रोक लगा दिया था। उसके बाद नीतीश कुमार सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी नीतीश सरकार को बड़ा झटका मिल जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी बीते दिनों अपने सुनवाई में कह दिया कि हाईकोर्ट का जो फैसला है वही मान्य रहेगा और अगली सुनवाई को टालते हुए 9वीं तक कर दिया गया। अब इसके बाद कहा यह जा रहा है कि एकमात्र नीतीश कुमार का अगर कोई सहारा बचा हुआ है तो वो केंद्र की मोदी सरकार है। अगर पीएम मोदी राष्ट्रपति से बात करके इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर देते हैं तो ही नीतीश कुमार का ये फैसला आगे बढ़ सकता है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।